हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रीड्स टू टेरिटरी। कंपनी एस्टेब्लिश पावर, तो जो कंपनी थी कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो कैसे पावर में आई वो इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर, जो मुगल रूलर्स थे सबसे लास्ट मुगल पावरफुल था, जो और भी थे उसके बाद भी पावरफुल मुगल रूलर था वो औरंगजेब था। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया। तो औरंगजेब ने बहुत से पार्ट पे अपना जो कंट्रोल रखे हुआ था जिसको आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर सूबेदार एंड अ बिग जिमीदार बिगिन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिश रीजनल किंगडम। तो जैसे जैसे उसके बाद, उसकी डेथ के बाद, बहुत से मुगल गवर्नर थे, सूबेदार थे, जिन्होंने अपनी जो इनको प्रोविंसेस मिली हुई थी तो उन्होंने अपने ही उसको जिमीदार थे, गवर्नर थे, उन्होंने अपनी ही अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर ली अपने रीजन में जो उनको मिला हुआ था किंगडम में। ओके, एज पावरफुल रीजन किंगडम एमर्ज्ड इन अ वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो ऐसे ही पावरफुल रीजनल किंगडम एमर्ज हो गए थे इंडिया में छोटे छोटे। दिल्ली कुड बी नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, दिल्ली अब इतना इफेक्टिव सेंटर नहीं था। ओके, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के हाफ में हाउएवर अ न्यू पावर वॉज एमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन। तो 18th सेंचुरी के हाफ में हुआ क्या, तो एक न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल में एक न्यू फॉर्म एमर्ज हुआ, न्यू पावर एमर्ज हुई, ब्रिटिश, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर अ रेलिक्वेंट टू एक्वायर टेरिटरी। तो आपको पता है कि पहले ये ट्रेड करने, व्यापार करने के लिए आए थे, एज अ एक कंपनी के जरिए आए थे व्यापार करने के लिए अंग्रेज। तो धीरे धीरे उन्होंने बहुत से हमारी जो टेरिटरी है उनको एक्वायर कर लिया। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ द वास्ट एम्पायर, धीरे धीरे इतने बड़े एम्पायर के ये भी मास्टर बन गए। तो इसी चैप्टर में हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, तो ये देखते हैं, ये फिगर 1 है। तो फिगर 1 में आप देख सकते हो बहादुर शाह जफर, ये जो ये बूढ़े से है ना, ये बहादुर शाह जफर एंड ही सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉडसन। तो कैप्टन हॉडसन ने बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को पकड़ लिया। आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज अ नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर कंटिन्यूज टू बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट। बस एक सिंबल के तरीके, बस सिंबल ही रह गया था, बस सिंबल के जैसे इंपॉर्टेंट होता था वो। इनफैक्ट व्हेन अ मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट अ ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, जब 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह शुरू किया गया ब्रिटिशर के खिलाफ, बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर एट द टाइम, तो उस समय पर बहादुर शाह जफर थे जो मुगल एम्परर थे उस समय पे, वाज सीन एज अ नेचुरल लीडर। तो उनको एक नेचुरल लीडर मान रहे थे लोग। वंस अ रिवोल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, जब रो ये इसको पुट डाउन कर दिया गया रिवोल्ट को कंपनी की तरफ से, बहादुर शाह जफर वाज फोर्स टू लीव द किंगडम। तो उसके बाद जो बहादुर शाह जफर थे उनको फोर्स किया गया कि वो उसको किंगडम छोड़ना पड़ेगा। एंड हिज सन वाज शूट इन द कोल्ड ब्लड, तो उनके बेटों को शूट कर दिया गया, मार दिया गया। तो अब देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में कैसे आई। ओके, तो अब हम देखेंगे इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ I, ग्रेंटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर लिया, और उसमें से उन्होंने चार्टर किससे लिया था, उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ I से लिया था, जो इंग्लैंड की रानी थी वहाँ की, ठीक है। वहाँ से उन्होंने ये राइट ले लिया कि वो ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दिस मैंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स इन इंग्लैंड कुड कंपीट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये उन्होंने इस चार्टर के अधीन ये लिखवा लिया था कि ब्रिटेन में से, इंग्लैंड में से और कोई भी इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपीट नहीं करेगा। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड रिवेन्यू अक्रॉस द ओशन। तो इसीलिए ये ओशन के यानी कि समुद्र पार चली जाती है, लुकिंग फॉर अ न्यू लैंड फ्रॉम विच इट कुड बाय अ गुड्स। तो ये एक ऐसी प्लेस ढूंढ रहे थे जिससे वो गुड्स खरीद सके, सामान खरीद सके
वो भी सस्ते दामों पे एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल अ हायर प्राइसेस, और फिर वहाँ से सामान लेकर जाके और वो उनको ऊंचे दाम पे बेच सके यूरोप में. द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर अ कंपटीशन फ्रॉम द अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज. तो भाई ये तो लिखवा लिया था ना उन्होंने कि भाई कोई भी यूरोप से कोई कंपनी उनको कम्पीट नहीं करेगी. फिर उसके बाद मर्केंटाइल, मर्केंटाइल क्या है, मर्केंटाइल अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड. जब ये एक ट्रेड के थ्रू बिजनेस किया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है बाइंग गुड्स चीप, सस्ते दामों पे गुड्स को खरीदना और हाई प्राइस पे बेचना, तो ये मर्केंटाइल बोलते हैं. ओके, ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज में अ प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल दियर. तो वो यानी कि सस्ते दामों पे खरीदती थी और महंगे दामों पे बेचती थी, इस तरीके से वो ट्रेड किया जाता था. द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम द एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स. तो क्या जी ये इस चार्टर में वो सिर्फ अपने जो पार्ट है उनको तो रोक सकते थे, मगर और भी जो यूरोपियन पावर्स हैं उनको ईस्टर्न मार्केट्स में एंटर करने के लिए रोक नहीं सकता था ये चार्टर. बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. तो जो फर्स्ट इंग्लिश शिप है वो सेल करती है कोस्ट ऑफ अफ्रीका की तरफ, जो केप ऑफ राउंड द केप ऑफ गुड होप, और किससे राउंड करके जाती है, केप ऑफ गुड होप से, एंड इंडियन ओशन को क्रॉस करती है. द पुर्तगाइज हैज ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर अ प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. मगर उससे पहले जो पुर्तगाइज थे उन्होंने ये जो इंडिया के वेस्ट वाले पार्ट में उन्होंने क्या अपना एस्टेब्लिश किया मेंट की हुई थी. ओके, एंड दिस प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैड देयर अ बेस इन गोवा. तो और उनका बेस कहाँ पे था, गोवा में था. दिस फैक्ट, दिस इज अ वास्को डी गामा. वास्को डी गामा कौन थे, याद रखना, ये पुर्तगाइज एक्सप्लोरर थे हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. जिन्होंने इंडिया तक का सी रूट उन्होंने सर्च किया था, एक्सप्लोर किया था 1498 में. बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू मेक अ एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रेड इन द इंडियन ओशन. सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव ऑन द सीन. तो सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना है आपने, सबसे पहले कौन आते हैं हमारी इंडिया में, ये आते हैं पुर्तगाइज, यानी कि अदर कंट्री से जो व्यापार के नज़रिए से आते हैं पुर्तगाइज आते हैं, जिसमें पुर्तगाइज में से जो वास्को डी गामा है उन्होंने ही इसका एक्सप्लोर किया था, ठीक है, 1498 में. उसके बाद डच आते हैं और उसके बाद फ्रेंच ट्रेडर आते हैं इस सीन पे. द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स. तो ये प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जितनी भी ये कंपनी थी, चाहे पुर्तगाइज थी, चाहे डच थी, चाहे फ्रेंच थी, और चाहे ये ब्रिटिशर्स थे, सभी क्या प्रॉब्लम क्या थी, ये सभी कंपनीज सेम ही थिंग्स खरीदना चाहती थी. द फाइन क्वालिटीज ऑफ द कॉटन, क्या खरीदना चाहती थी, अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है, सिल्क है जो प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में, हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप जो यूरोप में बहुत ज़्यादा बिकता है, पीपल क्लोज कार्डेमन ये सिनामन टू वर अ ग्रेट डिमांड, ये मिर्च मसाले हैं ये भी. कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबल पुश्ड बाय द प्राइस एट विच दीज गुड्स कुड बी अपर्चेज एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न. तो क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा था, तो क्या भाई जब कंपटीशन ज़्यादा है तो इनको जितना वो मुनाफा कमाना चाहते थे उतना नहीं हो पा रहा था, इतना अर्न नहीं कर पा रहे थे. द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज इलिमिनेटिंग राइवल कंपटीशन. द अर्थ टू सिक्योर मार्केट देयर फॉर लेड टू अ फेयर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज. तो क्या जी ये बैटल चलने लगा इन ट्रेडिंग कंपनीज में थ्रू द 17th and 18th century में हुआ क्या, दे रेगुलरली सेइंग ईच अदर शिप. तो उन्होंने क्या कर दिया भाई, कंपटीशन को भी अब मुनाफा लेना था भी, चाहे वो है ना बोलते हैं ना कि भी बस मुनाफा चाहिए जैसे मर्जी चाहिए, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे की जो शिप्स हैं उसको डुबाना शुरू कर दिया, ब्लॉक करने शुरू कर दिए रूट्स, और प्रिवेंट राइवल शिप फ्रॉम अ मूविंग विद अ सप्लाईज ऑफ गुड्स. तो जो भरी हुई थी शिप्स उनको जाने के लिए मतलब कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते थे कि ताकि वो मतलब यहाँ से सबको हटा दें, यानी कि
trade was carried on with the arms and trading posts were protected through the fortification. तो trades को ये कैसे वो इन्होंने फिर fortification शुरू कर दिया, fortification किला बंदी शुरू कर दी. This effort to fortify settlement and carries on profitable trade also led to intense conflict with the local ruler. ये fortification उन्होंने किया क्यों था, क्योंकि वो चाहते थे कोई और ट्रेड करने ना आ जाए, मगर जिससे हुआ क्या, जो लोकल रूलर थे उनके साथ ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है. द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स. जब ये इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जो लोकल रूलर्स हैं, तो क्या होता है, तो होता क्या है, ये जो ट्रेड्स, तो इनको ट्रेड के साथ भी पॉलिटिक्स में भी जाना पड़ा. ठीक है, ये सेपरेट नहीं कर पा रहे थे इनको. लेट्स सी हाउ इट्स दिस हैपन, ये कैसे हुआ ये अब हम देखेंगे. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये देखो, रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी. तो इंडिया 18th सेंचुरी में ये रूट्स देखते हैं कैसे है. तो यहाँ से द ब्रिटिश आइलैंड्स हैं, ये ब्रिटिश आइलैंड यहाँ से शुरू हुए थे. यहाँ पे ये केप ऑफ होप, ये आप देख सकते हो, ये अफ्रीका की है, ये यहाँ पे आए थे. ठीक है, ये मद्रास यहाँ पे, ओके. तो यहाँ पे फिर ये कैलकटा, ठीक है, और फिर ये देखो ये ऐसे, ये फिर ये यहाँ से आकर ये बॉम्बे आ गए थे. फिर ये मतलब ऐसे अलग अलग रूट्स हैं, है ना. ये देखो, ये कैंटन, ये कलकत्ता, ये मतलब ये सी रूट्स देख सकते हो इंडिया के. ओके, ये इस तरीके से वो ब्रिटिशर्स आ रहे थे इंडिया में. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड कहाँ शुरू किया था, उन्होंने शुरू किया था ट्रेड बंगाल से. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी कि जो इंग्लिश फैक्ट्री थी, वो हुगली नदी के किनारे 1651 में इन्होंने सेटअप की थी. दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेड्स नोन एज द टाइम एज अ फैक्टर्स. तो ये यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी, ऑपरेट करना शुरू किया था, फैक्ट्रीज बनानी शुरू की थी. द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट. तो ये फैक्ट्री रिवर्स थी भाई, रिवर्स से भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, रिवर्स भी बहुत कुछ मिल जाता है ना इनको. तो ये गुड फॉर एक्सपोर्ट वॉज स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिशियल वेयर कंपनी ऑफिशियल से. तो ये वो प्लेस बन गया था जहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे बैठते थे. एज ट्रेड्स एक्सपैंड, जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, कंपनी परस्यूइंग मर्चेंट, तो कंपनी के मर्चेंट भी बढ़ते गए, ट्रेड्स भी बढ़ता गया, और सेटलमेंट होते गई फैक्ट्री के पास. 1696 इट बिगिन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड. तो ये फिर इन्होंने क्या किया, 1696 में उन्होंने एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, जहाँ जहाँ पे ये सभी ये मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो रह रहे थे. 2 years later, उसके बाद 2 साल बाद क्या होता है, इन्होंने जो मुग़ल ऑफिशियल्स थे उनको इन्होंने पैसे देना, रिश्वत देनी शुरू कर दी कि वो जो कंपनी है वो जिम्मेदारी राइट दे दें उनको 3 villages के. कितने विलेजेस के, सिर्फ 3 villages के उनको जिम्मेदारी राइट्स दे दी, उन्होंने रिश्वत दे दी थी उनको. ओके, कलकत्ता के, ओके, वन ऑफ दीज वॉज ए कैलीकटा. तो उनमें से एक थी कैलीकटा, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज इट इज़ नोन टूडे. इट इज़ अ परस्यूटेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू अ इशू अ फरमान. तो उसके बाद जो मुगल औरंगजेब, उन्होंने फरमान इशू किया था, तो जिसमें वो कंपनी के को ग्रांट दे रही हैं राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. तो वो मतलब वो कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं. फरमान क्या होता है, ये एक रॉयल एडिक्ट होता है, जो रॉयल ऑर्डर कह सकते हैं हम. द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कॉन्सेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस. तो जो कंपनी है वो हमेशा ही ये कोशिश करती रहती थी कि वो और भी ज़्यादा ये कम करवाएं, कंसेशन माफ़ करवाएं, और ये जो प्रिविलेजेस हैं इनको मैनिपुलेट किया जाए. जो औरंगजेब का फरमान था, जैसे कि एग्जांपल के लिए, हैड ग्रेटली ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटीफुली. तो वो उसमें उन्होंने फरमान में क्या बोला था कि वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, मगर जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, हु आर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड. तो वो अपना ही ट्रेड उन्होंने अलग से शुरू कर दिया था. ओके, वर एक्सपेक्टेड टू पे अ ड्यूटी. तो जिससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो भाई ड्यूटी पे करेंगे, तो दे रिफ्यूज टू पे. तो इसीलिए वो जो जिनसे ये कलेक्ट किया जाता था, वो उन्होंने पे करने के लिए वो रिफ्यूज़ करने लगे.
causing an enormous loss of the revenue for Bengal. जिससे हुआ क्या, जो बंगाल को रिवेन्यू में बहुत घाटा पड़ने लगा. How could the Nawab of Bengal, तो ये बंगाल का नवाब क्या कर सकता था भाई. मुर्शीद कुली खान not protester, तो मुर्शीद कुली खान ने भाई कर दिया protest. नुकसान हो रहा था भाई, नुकसान कौन झेल सकता है. रिश्वत ले ली भाई, फ़ायदा हो रहा था, पैसे आ रहे थे तो ले ली, मगर नुकसान हो रहा तो फिर बोल पड़े. ये भी तो फिगर, ये नंबर थ्री आप देख सकते हो. ये लोकल बोट्स हैं, ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप इन मद्रास. मद्रास से ये जो को सामान लेके आ जा रहा है, ये इसको विलियम सिम्पसन 1867 में इसको पेंट किया गया था. आगे हम देखेंगे हाउ ट्रेड्स लेड टू बैटल. सो ये ट्रेड्स कैसे बैटल में तब्दील हो गई थी, तो इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी मैं इसका. थैंक्स फॉर लिस्टिंग मी. गॉड ब्लेस.